अंदर से तुम धीरे से बता दीजिए प्रताप। क्या चीज? प्रताप। प्रताप बता दीजिए। रवि। रवि नाम बताइए। राजेंद्र। राजेंद्र ड्रोन ऑपरेटर। ड्रोन ऑपरेटर तो ये एंड पीछे हमारे बंगाली भैया क्या पी रहे भैया? कॉफी। कॉफी हॉट किचू हॉट 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 बंदा हॉट कॉफी पी रहा है। ओके बड़े हरामी हो बेटा। हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? आप देख रहे हैं आप अपना यूट्यूब चैनल रांची व्लॉगर शिवांग टुडे। गाइस तो मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का प्यारा होस्ट शिवांग टुडे। यार दोस्तों, ये बात है तब की जब मैं ले रहा था झेप की, तभी मेरे फोन में बजा टू टू, जिसका नोटिफिकेशन था इंस्टाग्राम का मैसेज। मैंने फट से फोन उठाया और इंस्टाग्राम चेक किया, जहां पे मेंशन किया गया था मुझे रांची के कुछ छोटे मोटे एंड बड़े यूट्यूबर्स के साथ एक्सल लाइफ में। तो उसमें मेंशन करके मुझे कहा गया था कि हमें करना है 29 नवंबर से 7 दिन तक लगातार डेली व्लॉग्स एंड उसे करना होगा अपलोड। मैंने भी स्टोरी मेंशन कर दिया एक्सल लाइफ को एंड कर लिया चैलेंज एक्सेप्ट, लेकिन उसके बाद मैं नहीं कर पाया वेट एंड मेरा पूरा प्लान हो चुका था सेट। लेकिन एंड मोमेंट पे किस्मत ने दिया मुझे धोखा, मेरे व्लॉग में आ चुका था एक लोचा एंड बाद में मैंने अपने दिल से कहा कि मुझे इस काम के लिए क्यों नहीं रोका। तो बेसिकली इस सब चीज़ों को ख़त्म करते हैं एंड सिंपल से बात है कि भाई मैं 27, 28, 29, 30 ये 4 दिन बिजी था। जैसा कि आप सबको मैंने पहले व्लॉग में भी बताया कि मैं आजकल फोटोग्राफर्स के साथ जाता हूँ उनका असिस्टेंट हेल्पर बन के, एंड इससे मुझे कुछ अर्निंग भी हो जाती है एंड साथ ही मैं कुछ कुछ फोटोग्राफीज एंड सिनेमाटोग्राफीज सीख रहा ताकि मुझे फ्यूचर में काम आ सके। तो इसी वजह से मैं 29 तारीख को हमारा एक वेडिंग का शूट था तो वहीं पे मैं गया हुआ था एंड मैंने सोचा कि दिन भर क्या क्या करूँगा डेली व्लॉग्स के हिसाब से मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन मैं दिन भर व्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि मैं 28 तारीख की रात को भी जागा था तो थक गया था, तो दिन भर सो रहा था एंड शाम को मुझे फिर वापस जाना था, उस दिन वेडिंग था। तो मैंने बैंक्वेट हॉल सबका वीडियोस हल्का हल्का बनाया एंड दिखाया कि हम लोग की टीम कैसे काम करती है, तो बेसिकली आपको इस देखने मिलेगा एंड बीच बीच में मैंने थोड़ा बहुत फनी करने का कोशिश किया है। तो अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज लाइक कर देना एंड कमेंट करके जरूर बताना एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं एंड द मेन रीजन इज फॉर नॉट मेकिंग द डेली व्लॉग्स इज दिस वीडियो। सबको BTS डालेंगे, उनका नाम है क्या नाम है? प्रणय। हाँ प्रणय भैया नाम है। और ये हमारे लाइव क्रिकेट लाइव दिखा रहे, आई मीन सारी लाइव दिखा रहे। नाम क्या भैया? एकदम मास्क के अंदर से एकदम धीरे से बता दीजिए। प्रताप। क्या चीज? प्रताप। प्रताप भैया नाम बता दीजिए भैया। रवि। रवि एंड देखो लाइव वहाँ पे चल रहा है एंड पूरा क्रेडिट इनको जाता है, इनको पूरा मतलब क्या बोले सारी टिका दी आपको। मजा आ गया। पहले हमको 10 मिनट का ब्रेक चाहिए। 10 मिनट का ब्रेक चाहिए तो फिर हम संभाल लेंगे, उसमें क्या है संभाल लो। तो अभी इस चीज़ को हम संभालते हैं, ठीक है ना प्रणय भैया? प्रणय भैया 10 मिनट हम बैठ रहे ना, ये संभालो तब तक। एक जगह फ्रेम को फ्रीज कर दो। हाँ बस बस ठीक है ठीक है ठीक है।
मुझे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। भैया नाम बताइए। राजेंद्र। राजेंद्र ड्रोन ऑपरेटर। ड्रोन ऑपरेटर। तो ये भैया आज का ड्रोन उड़ा है शादी का, ड्रोन शॉट उनके माध्यम से मिलेगा। एंड अभी हम लोग आ जाते पोजीशन पे, तो यहाँ से कुछ भैया लाइव कर रहे थे और अभी मैं कर रहा हूँ। पोजीशन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, दूल्हा पे फोकस किए हुए हैं, मतलब ग्रूम पे। और यहाँ पे भी देख सकते हो ये एंड वो, ये अपना प्रोडक्शन हाउस कंपनी है, ये हमारे भैया है। तो जिनको भी प्री वेडिंग, वेडिंग या भी जिस तरह का भी शूट कराना होगा, कांटेक्ट करना मुझसे, मैं कांटेक्ट कराऊंगा इनसे। एंड अभी उस तरफ भी एक लाइव स्क्रीन चल रहा है एंड उस तरफ भी, एंड कंट्रोलर यहाँ पे मैं ही हूँ फिलहाल, मुझे काफ़ी बढ़िया काम दिया गया है। और ये मैं धीरे धीरे इसको ऊपर नीचे करूँगा और वहाँ पर भी थोड़ा सा देखना। हाँ मैं उधर थोड़ा फोकस कर देता हूँ, दूल्हा दुल्हन है एंड फोकस फोकस फोकस। और यहाँ पे मैं, ओ वहाँ पे भी एक भैया है, हाय। वो भैया कोलकाता से आए हैं एंड काफ़ी टीम मेहनत कर रही है। भैया क्या नाम हुआ आपका? एस दास। एस दास, ओ माय गॉड, शॉर्ट नेम। तो ऐसा कुछ सीन है यहाँ का ब्रो। तो यहाँ पे अपना पेट पूजा चल रहा है एंड अभर शूटिंग अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। हमारे भैया अभी भी कपल शूट्स कर रहे हैं वहाँ स्टेज पे। लेकिन मैंने पिछला 15 घंटा से खाना नहीं खाया था, इसलिए लास्ट में लगभग 12 बजे थोड़ा सा खाना खा रहा हूँ, वो भी वेज। नॉन वेज आदमी भी नहीं हुआ है, बहुत प्योर वेज टाइप का आदमी हूँ। एंड मेरे थाली में काफ़ी बढ़िया बढ़िया चीज़ें दिख रही हैं मुझे। ये है राजमा, ये है पनीर कॉर्न, ये मसाला पनीर, ये मिक्स वेज, ये हल्का पास्ता, ये पुलाव एंड यहाँ पे 2 गुलाब जामुन। बस इतना कम खाते हैं भाई, इतना सा कम। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे वर्णमाला, नहीं वर्णमाला सॉरी, हाँ भगवान सॉरी, जय माला खत्म हो गया, मतलब आधा वेडिंग खत्म हो गया। एंड अब जो वेडिंग का रिचुअल्स होता है, मतलब जो प्योर वेडिंग होता है, पूरा वेडिंग जो है ना वो कहीं और घर पे होने वाला है। बस ये जो बैंक्वेट है ना वो सिर्फ जयमाला और पार्टीज के लिए बुक किया गया था। एंड अभी फ़िलहाल हमारा पैकअप भी हो चुका है, तो चलते हैं अब पूरा तरह से सामान को समेटते हैं एंड चलते हैं। नेक्स्ट कहाँ जाएंगे वो आपको दिखाएंगे व्लॉग में, और डेली व्लॉग के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड पीछे हमारे बंगाली भैया, क्या पी रहे भैया? कॉफ़ी। कॉफ़ी हॉट किचे हॉट 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 बंदा हॉट कॉफ़ी पी रहा है। ओके और आपका है कूल है कैप्टन कूल? हाँ वैसे भी हमारे कैप्टन ही। तो यार दोस्तों बात ऐसा है कि हम लोग पहुँच चुके हैं जहाँ पे होने वाला शादी, यानी घर पे, बैंक्वेट हॉल से। एंड पीछे शादी का रिचुअल्स हो रहा है, जैसा कि आपको सुनाई दे रहा था हल्का हल्का, जो हमारा बिहार का शादी होता है ना वही शादी हो रहा है। एंड उस पर जो गीत जिसको बोलते हैं वो गाया जा रहा है
महिलाओं के द्वारा। एंड अब से थोड़ी देर में शादी का कार्यक्रम शुरू होगा, जिसको मैं थोड़े थोड़े वीडियो क्लिप्स के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। एंड कैमरा अपना बन गया है, लेकिन बीच बीच में कभी कभी धोखा दे रहा है, मतलब पूरा तरह से नहीं बन पाया, तो थोड़ा सा क्या बोले डर भी लग रहा है कि कब कैमरा ख़राब हो जाएगा और मास्क मेरा लटक रहा है, तो इस पर गौर ना करना। तो चलो यार चलते हैं अंदर। तो विवाह का रीति रिवाज शुरू हो चुका है एंड अपने फोटोग्राफर्स सिनेमेटोग्राफर्स भी लगे हुए काम पे। एंड अपने पास आया एक हवन कुंड, लेकिन इस हवन कुंड में अभी हवन नहीं हो रहा है फिलहाल। यहाँ पे खूब सारा कोयला रखा हुआ है एंड उसमें जल रहा है आग, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये भैया लोग आग का मज़ा लेते हुए एंड हम भी यहाँ पर आपका ही मज़ा ले रहे हैं एंड बाकी लोग काम कर रहे हैं। मेरा काम यही है, आओ हाजिरी बनाओ और बिगड़िए जिससे आग तपाते रहो। फिर ठंडा का शादी है ना, एंजॉय करना बनता है। ठंडा का शादी में आग नहीं मिले तो क्या फ़ायदा। एंड अपना कैमरा को बंद करता हूँ, नहीं तो 75 डिग्री से ज़्यादा हुआ तो मेरा कैमरा गलना चालू होगा और ये व्लॉग पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। बेसिकली ये तो शिवान किड्डू का व्लॉग है और इसमें कुछ अलग ना हो, कुछ फनी ना हो, कुछ तड़कता भड़कता ना, तो मज़ा कैसे आए। रुको जरा, सबर करो। इन सर के लिए शादी एक सिनेमा थी, जिसको देखते देखते ये प्यारी से नींद की गहराई में जा चुके थे। और यही नहीं, इनके साथ और भी लोग थे जो कि शादी का मजा कुछ इस प्रकार से उठा रहे थे। नो 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 तो अब बारी थी शादी के सबसे अहम चीज में से एक चीज, सात वचन और सात फेरों। अब बारी आती है शादी के सबसे अहम और सबसे खास चीज़ की, यानी सिंदूर दान की। तो वो मोमेंट ये रहा आपके साथ। और इसी के साथ यह शादी और यह व्लॉग यहीं पे संपन्न होता है। कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं हमें।